नाभा विखे पहुंचे पंजाब दे कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने नाभा अनाज मंडी दा कीता दौरा अते आड़ती एसोसिएशन नाल कीती मीटिंग। कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने केंद्र सरकार ते वार करदिआं कहा कि जो केंद्र सरकार वल्लों हाड़ी दी फसल समय किसानां नूं सिद्धी पेमेंट पाउण दा फैसला कीता है, यह बिल्कुल गलत है। केंद्र सरकार किसानां अते आड़तियां नूं लड़ाउणा चाहुंदी है। इस मौके पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने केंद्र ते साध्या निशाना अते कहा कि केंद्र वल्लों हाड़ी दी फसल दी पेमेंट किसानां दे खाते विच सीधी पेमेंट पाउण ते धर्मसोत दा कहना है कि केंद्र सरकार पंजाब ते हरियाणा दे आड़तियां नूं लड़ाउणा चाहुंदी है, पर पंजाब ते हरियाणा दे किसान आड़तियां नाल अपना पुराना रिश्ता नहीं तोड़नगे। पटियाला तो केशव कुमार दी रिपोर्ट, लाइव भारत। दौरा करना है मंडिया दा, इक केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी कीता भी हुण किसानां दे खाते सीधा मंडियां दे आड़त दे मैं सुनी है एक वीडियो कॉल और जिस कहा गया कि हरियाणा ते पंजाब लागू किया जाएगा सब तो पहला क्योंकि है ही हरियाणा ते पंजाब आड़तियों के जो हैगा MSP और जो केंद्र ने अज ऐलान किया कि आ हाड़ी की जिहड़ी सीजन है ये आड़तियों के राही नहीं खरीदया जाएगा किसान के खाते सीधी जाएगी। मैनू ये नहीं समझ लिया किसान जाएगा कि किनू कहेगा पैसे दे दो सीधा खाते किवें पएगा, ये एक जान के खलड़ पाने वाली गल है और जिहड़ी अति निंदनयोग गल है मोदी साहब थोड़ा ये जानबूझ के स्टेटां नूं तुसीं परेशान कर रहे हो। पहला कल्ले किसान की गल करते हुण आड़तियां नूं ते किसानां नूं लड़ाउणा चाहुंदे ने। ये लड़ाई पंजाब दे किसान ते आड़ती कदे आपस विच नहीं लड़नगे। जो चिरां दा बणिआ होइआ सिस्टम है इहनूं ना तोड़िआ जावे और उस मुताबक ही चलिया जाए। नरेंद्र तोमर ने कहा कट जिन्ना मर्जी कर लो कानून वापस नहीं होगा। ये तो देखो गल ये है देश के लोग कट्ठे हुए ने, तोमर साहब तुसी भी इसे देश च रहने हो ना, लोगों ने थोनू वोटा कट्ठ नहीं वोटा पा के तुसी कुर्सी पर बैठे हो और जब उही कट्ठ उही लोग कह रहे हैं सानू ये नहीं चाहिए यदा मतलब तुसी जनता नू नकार रहे हो, जनता की कोई सुनना नहीं चाहते। और एक दिन आया खड़ा है थोड़ा जनता थोनू कुर्सी तो फड़ के चुक के सुट्टेगी फिर पता लगेगा। अड़ी तो हैगी माड़े बंदे ने तो ही है ना, थोड़ा आप पत्रकारों पता ही है मोदी किन्ना माड़ा है, उहदे मंत्री किन्ने, तोमर ने की कहा, तोमर का कहना जिन्ना मर्जी कट कर लो कट तो भाई हिंदुस्तान का अज बच्चा बच्चा खड़ा है उत्ते हर फिरके का बंदा है, हर फिरके नकार रहे हैं। किसान दे विच मुसलमान भी है, किसान दे विच जट भी है, किसान दे विच जाट भी है, किसान दे विच हरिजन भी है, किसान दे विच होर SC BC लोग सारे ने, उहदे नाल आड़तीए ने, शैलर वाले ने, मजदूर ने, वो सारे लोग माड़े हो गए, कल्ले मोदी साहब तोमर साहब तुसी चंगे हो गए। सो ये तो रावण वर्गियां दा हंकार नहीं रहा, तुसी किहड़े बाग दी मूल जी। तुसी ना उही गल कर मार दिंदे हो पत्रकार, अज कैप्टन साहब का सवेरे अखबार नहीं पढ़िया, उन्होंने कहा भी तोड़ मरोड़ के बयान लाया गया, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। 2019 सरकार वाल जाओ मोदी नाल, जाओ मोदी को सेंटर को है, साड़ी सरकार को नहीं है ना, असी रख सकते हाँ जी। हिंदुस्तान की सरकार की बेशर्मी है, लोगों जो धक्का कर रहे हैं अपनी कच्चे तेल के रेट के हिसाब न, अज दुनिया कीमतों 25 रुपए लीटर तो वध नहीं चाहिए। ये एक सरमाएदारा तगड़ा करने वास्ते टैक्स से टैक्स ला के मोदी साहब हिंदुस्तान के गरीब अमीर सारियां नूं बोझ पा रहे हैं, एक खास करके गरीब से जिन्हें दिहाड़ी जाना, एक लूना च तेल पाना, किसान ने एक ट्रैक्टर च तेल पाना, आ चार चार गुणा रेट वध गए तो किसान मारू देश मारू, ये फैसले ने यह बहुत चिर नहीं चलते। केंद्र सरकार पहला से जो BJP कह बहुत वध गया हूँ 100 पार होने वाला, पता ही है थोनू, तुम प्रेस वाले तगड़े हो गए मोदी के खिलाफ बोलो तो सही यार, उही डरी जाने मोदी के खिलाफ ठोको जब तक प्रेस नहीं, हिंदुस्तान की प्रेस नहीं बोलती पूरी तरह उदों तक मोदी के कन्न नहीं खुलते। अच्छ तो बोल रहे हैं उच्ची उच्ची बोल रहे, साड़ी कांग्रेस पार्टी की प्रधान बोल रही है, मुख्यमंत्री बोल रहा है, साड़ा पंजाब का प्रधान बोल रहा है, बच्चा बच्चा कांग्रेस का मोदी के खिलाफ बोल रहा। तुसी मेरी बेनती हथ बन के ठोक के थोड़ा जा मोदी ने सारा कुछ सुनाओ तो वे कन्न खुलेंगे। सरकार ने जो पैड़ी मंडिया परचेज हुई तो 30% बारदाना देने का वादा किया,
वो 30% भी इन्होंने पूरा नहीं किया, इस करके 50% नाल बारदाना जो नवा मिलता है तो चावल लगते हैं। बारदाना मिले 25%, मैनू 25% मिले, बाकी किसी 30 भी मिल गया होगा। तो गड्डिया लगड़िया हूँ बंद हो चुकिया ने, बारदाने का रौला पैन एक महीना हो गया भी 22 रुपये रेट से पंजाब सरकार ने दे के एफसीआई भेजता, लेकिन एफसीआई तो अप्रूव होकर 22 रुपये भी गड्डिया लवा रहे। जोड़ा बारदाना से 30-32 रुपये लाते असं 22 रुपये देने तैयार हाँ, तो लेकिन गड्डिया लाने की इजाजत मिल रही, सारा डिपू साडा बंद पे है, तो जीरी साड़ी रुल रही है। एक महीना रह गया हाड़ी आने, जे हाड़ी तक गड्डिया यह नहीं लगदियाँ तो जीरी नूं की करे किया जाऊगा, किवें संभाली जाऊगी, तो लॉस हो जूगा, टुकड़ा हो जूगा, तो चौल दाग ही हो जाएंगे। तो इस करके गौरमेंट इमीजिएट अज ही पुराने बारदाने गड्डिया लाने की पंजाब दे विच इजाजत देनी चाहिए है, ता कि सैलां दा कम समूथली चल के हाड़ी दे सीजन तक पैड़ी लग सके कुट के। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, केंद्र सरकार ने सिर्फ आर्डर देने ने, बारदाना सारे शहरों से हैगा पुराना, नवा तो हूँ कितों आऊगा, नवा तो कणक वास्ते देने यही बहुत है। तो कणक वास्ते भी यह गल है भी अज एक पॉलिसी डिकलेयर की है, तो वह कहते हैं भी आड़ती ही नहीं रहने, 29,000 आड़ती बेला कर फिर कणक पता नहीं किमें संभालूगी गौरमेंट, सानू तो कोई प्रबंध लगता नहीं, खरीदी भी जीरी का बारदाना नहीं यह दे सके, हूँ तक चौल मिल बंद हो चुके हैं, लेबर जा रही ने जिम्मे कह रहे हैं सरकार ने ऑर्डर किया फिर तो एक बार सड़क पर आ जाएंगे सारी। हाँ हाँ, सारे को अस्त व्यस्त हो जूगा, ना कोई आड़तिया रहना ना मजदूर, गौरमेंट की पता नहीं किदा पॉलिसी है भी किमें कणक सामूगी, सानू तो समझ नहीं आती गल भी इन्ने 29,000 आड़तिया लखा मजदूर साढ़े नाल कम करते हैं, साथी कर मुनीम करते हैं, ये सारे तो ही कणक मसा संभाली जाती है। गौरमेंट पता नहीं कि भी जो एडर मामा जिंदा ने कणक में सामभ के गौरमेंट जटा पेमेंट देगी, साढ़े तो सामने बाहर है गल, पर शरण वाली गल है भी मोदी सरकार ने अज ये ध्यान दे के इनू रिलीज करना चाहिए भी पुराने बारदाने गड्डिया लाइया जा, नहीं तो सारी सैल इंडस्ट्री अगे वास्ते बर्बाद हो जाऊगी, बचे नहीं सकती, ना गौरमेंट को किसी आड़ते कोई साधन है भी रुपये भरे जा, ना कोई चौलों का मार्केट के गाहक है जो उतों बेच के पैसे दिते जा। इस करके गौरमेंट अखा खोलने चाहिए, सुती पई है पंजाब सरकार, उतों पहला सुती पई है, डिमांड ही नहीं करती। कैप्टन साहब का भी दोष है ये, कैप्टन साहब ने कहा एक दिन स्टेटमेंट नहीं आई भी मैं प्रबंध कर दें, मोदी धौन से गोडा रख के जारी कराया जाए ता कि शैल बच जा, नहीं तो पंजाब से जीरी भी नहीं बिकनी गा, सानू शैल किसी ने लवानी। हुण घबराउण की लोड़ नहीं, हर बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटिया द्वारा साइल हैल्थ केयर अमृतसर से, बेओलाद शारीरिक ताकत, IBS स्पर्म काउंटिंग, मैन पावर, हर बीमारी का पक्का ते सफल इलाज साहिल हेल्थ केयर आयुर्वेदिक सेंटर। लेकिन अज भी साढ़े भारत के आयुर्वेद में बहुत मान्यता दी जाती है, बहुत महत्व है, आदमी के जी अंदरूनी कमजोरी आती है वह कई रोगों करके आती है, जो औलाद पैदा नहीं कर सकते उन्होंने शुक्राणुओं की कमी भी। मिलो रोजाना 10 to 6 साहिल हेल्थ केयर सेंटर, 100 Footy Road, अमृतसर, संडे छुट्टी।